Good morning, students. Now, in today's lecture, we will see new point, that is centripetal force. अब इस लेक्चर में हमें सेंट्रिपिटल फोर्स का मीनिंग क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, एग्जाम्पल देखने हैं इसको, ठीक है। तो उससे पहले देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पोजिशन ए, ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, अगर हम ज्वाइन करते हैं ओए, तो दिस इज रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट लिनियर स्पीड। तो लिनियर स्पीड ए पोजिशन पर अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर टेंजेंशियल ऐसे लिनियर स्पीड की डायरेक्शन होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना, मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सिर्फ यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है। सपोज ए पोजिशन पर डायरेक्शन इस तरह से, तो बी पोजिशन पर अगर पार्टिकल आ जाता है तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी, ओके, सी पोजिशन पर अगर पार्टिकल आता है तो डायरेक्शन इस तरह से होगी, मतलब एट एवरी पॉइंट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल द डायरेक्शन ऑफ लिनियर स्पीड और लिनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। देखिए ए बी सी पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट लिनियर स्पीड, लेकिन उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है, इसके वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ओके, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पोजिशन टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, एक्सेलरेशन बाय इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट होता है, एंड उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट फ्रेंड। नो, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है पार्टिकल के ऊपर, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है ए आर, जिसके डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, दैट इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ओके, अब पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन कब एक्ट होता है, जब उसके ऊपर फोर्स होगा, बराबर है ना। जब फोर्स एक्ट होगा किसी पार्टिकल के ऊपर तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जबकि यहाँ पर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन, तो इसके ऊपर एक रेडियल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स भी एक्ट होगा, राइट स्टूडेंट। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर एक फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता होगा, जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड द वेक्टर विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल, दैट फिजिकल क्वांटिटी, सो दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या हो गया, फिर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की भी होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग यहाँ पर मतलब डेफिनेशन दिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफ आर लिखेंगे हम इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर रेडियल फोर्स, है ना। तो एम इन टू एक्सेलरेशन कौन सा होगा, फिर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज डिनोटेड बाय ए आर। नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एफ आर, देखिए इसको हम ऐसे भी लिखेंगे सी पी एफ, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सी पी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए आर, ये इक्वेशन नंबर वन। नाउ हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंट इक्वेशन है, कौन कौन से इक्वेशन से, देखिए
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन के लिए पहला इक्वेशन है हमारे पास वी ओमेगा, है ना, लीनियर स्पीड इंटू एंगुलर स्पीड। उसके बाद यहाँ पर वी स्क्वेयर बाय आर, ये फॉर्मूला है, और आर ओमेगा स्क्वेयर, है ना, सिंपल। ये इसका डेरिवेशन हमने देखा है इससे पहले। देखिए वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर वी के जगह पर अगर आर ओमेगा रखते तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज आर ओमेगा स्क्वेयर, राइट। नाउ ओमेगा के लिए क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर। अगर ओमेगा की जगह पर वी बाय आर लिखते, देखिए यहाँ पर ओमेगा की जगह पर अगर वी बाय आर लिखते तो वी इंटू वी दैट इज वी स्क्वेयर बाय आर, राइट। तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मास इंटू, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर ये पहली वैल्यू हम रखते हैं तो यम वी ओमेगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया ना। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, यम वी स्क्वेयर बाय आर, ओके, और थर्ड फॉर्मूला यम आर ओमेगा स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अगर हमें मास, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड दिए तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लीनियर स्पीड और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यम वी स्क्वेयर बाय आर। अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड एंगुलर स्पीड अगर दिए तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यम आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तीन इक्वेशन तैयार होते हैं, यम वी ओमेगा, यम वी स्क्वेयर बाय आर, यम आर ओमेगा स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट। नाउ इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। नाउ इट इज इक्वल टू यम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वेक्टर आर, राइट। अब यहां पर एक बात देखिए कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम सेंटर टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ये दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस साइन आएगा। माइनस साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर डायरेक्टेड एग्जैक्टली अपोजिट। उसी तरह से देखिए वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस यम वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस साइन मतलब क्लियर हो गया ना आपको, बिकॉज देखिए वेक्टर आर मतलब रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, इसलिए यहां पर माइनस साइन, राइट स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए हमारे पास और एक फॉर्मूला यहां पर, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला ना, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, टी मतलब पीरियोडिक टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम टू पाई एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं टू पाई एन या फिर टू पाई अपॉन टी, तो और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें इक्वेशंस मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं स्टूडेंट, यम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, यम आर, अब ओमेगा के लिए ये वैल्यू रखते हैं टू पाई डिवाइडेड बाय टी, तो ये इक्वेशन क्या तैयार होगा, यम आर, ओके, इसका स्क्वायर होगा ना ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब टू पाई का स्क्वायर क्या होगा, फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो अगर किसी न्यूमेरिकस में या एमसीक्यू में हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और उसका पीरियोडिक टाइम दिया है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये दिया है यहाँ पर पीरियोडिक टाइम ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू यम आर, अगर ओमेगा की वैल्यू टू पाई एन मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर रखते हैं तो यहाँ पर टू पाई एन ब्रैकेट स्क्वेयर होगा, तो ये होगा यम आर फोर पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी दिए तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए देर आर फाइव फॉर्मूले या सिक्स फॉर्मूले देखिए, जैसे अगर डायरेक्ट मास दिया है पार्टिकल का और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी, तो यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना,
मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन. ओके, अगर लीनियर स्पीड और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड बोथ आर गिवन एंड वहां पर अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. एंगुलर स्पीड के लिए ये फॉर्मूला, पीरियडिक टाइम के लिए ये फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो देर आर 6 फॉर्मूलेस टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का मीनिंग और उसके फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आपके? ओके, नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ फोर्स, ये एक प्रकार का फोर्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर असाइनमेंट क्या होगा, इसका असाइनमेंट होगा स्टूडेंट न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइम, बराबर है ना. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइम, कितना होता है 10^5, या फिर 1 डाइम इज इक्वल 10^-5 न्यूटन. तो ये कन्वर्जन में काम आ सकता है आपके, राइट स्टूडेंट. तो यहाँ पर डेफिनेशन और फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. अब सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स किस एग्जांपल में होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिस्कस करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो शॉर्टली हम ऐसे लिखेंगे अब इसके बाद, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए UCM लिखते हैं ना, उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए CPF लिखना है हमें. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स. ये रियल फोर्स होता है. नाउ देखिए, फोर्सेस आर ऑफ कॉमनली टू टाइप्स, रियल फोर्सेस, नॉन रियल फोर्सेस. नॉन रियल फोर्सेस मतलब सुडो फोर्सेस, इमेजिनरी फोर्सेस, है ना. देखिए जो नॉन रियल फोर्सेस या फिर सुडो फोर्सेस है सेकंड टाइप, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो अराइज होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है. अब रियल फोर्सेस मतलब देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देखिए आपने वो 9th या 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड होता है न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, बराबर है. तो ये तीन ही यहाँ पर रियल फोर्सेस हैं, और बाकी जो जितने भी फोर्सेस हम नेचर में एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर बिलोंग आइदर ग्रेविटेशनल फोर्स, आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रियल फोर्सेस है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही जरूरी है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, उसके बिना पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर नहीं सकता है. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन. देखिए एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, और साथ में इस एग्जाम्पल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है ये भी डिस्कस करते हैं. चलिए नंबर 1 एग्जाम्पल देते हैं. अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन सर्कुलर पाथ. देखिए सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, तो वही एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं रिपीट करने वाला हूँ. लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो भी रियल, कौन सा, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ. सपोज यहाँ पर सन की पोजिशन है, ओके, और ये अर्थ है यहाँ पर. तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ. एक्चुअली सर्कुलर पाथ नहीं होता है, हम ग्रेविटेशन में देखने वाले, इट इज इन इलिप्टिकल पाथ. तो कंसिडर कीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है यहाँ पर. तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ. ओके, तो इसका रीजन क्या होता है, व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिटल पाथ. सर्कुलर मोशन यहाँ पर क्यों परफॉर्म होता है, बिकॉज सन का यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स एक्ट होता है अर्थ के ऊपर,
दैट इज नोन एज सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर। इसलिए अर्थ यहां पर सन के अराउंड मूव होती है, बिकॉज अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर अर्थ है और यहां पर मून है, तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ, तो मून के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, राइट। देखिए यहां पर सपोज हम लेते हैं अर्थ है ये, और ये समझ लीजिए मून है, ओके, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। देखिए ध्यान से, मून के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब देखिए एज शोन इन डायग्राम, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, बराबर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायरेक्शन क्लियर हो गई। और देखिए यहां पर मून, इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड ये होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन दैट इज टेंजेंशियल, ओके। मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर नहीं है, तो क्या होगा, दैट मून मूव्स अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए यहां पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन मून यहां पर नहीं है, तो क्या होगा, फिर इसी पोजीशन से मून ये स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा ना। अगर मून यहां तक जाता है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वापिस फिर यहां पर आ जाता है। अगर इस पोजीशन पर फिर वो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन जाने की अगर कोशिश करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब पार्टिकल अगर चाहे कि अलोंग द टेंजेंशियल मूव हो जाए, फिर फ्री हो जाए, या फिर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो जाएगी इस तरह से, एंड कंटिन्यूअसली इट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसलिए मैंने यहां पर कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अब समझ में आ रहा आपको, मतलब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मून यहां पर अर्थ से दूर नहीं जा पाते, बिकॉज कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड इट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी और रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, इसका मतलब वहां पर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो देखिए अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, या फिर मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ओके, इन सर्कुलर पाथ। इस दोनों एग्जांपल्स में कौन सा फोर्स यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, फोर्स रियल फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है, इट इज रियल फोर्स। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, ओके। ये एग्जांपल क्लियर है यहां पर। देखें अर्थ और मून, सन का मैंने एग्जांपल दिया, जितने भी यूनिवर्स में सन के अराउंड बाकी मून या फिर नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, ये अवर सोलर, ये अपनी सोलर सिस्टम है ना, बाकी ब्लैक होल उसके अराउंड बहुत सारे स्टार्स रिवॉल्विंग होते हैं, तो इन सब एग्जांपल्स में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये रियल फोर्स है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, बराबर। ये एक एग्जांपल यहां पर, जैसे इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूक्लियस है यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो यहां इस एग्जांपल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा, अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स यहां पर एक्ट होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है ना, तो यहां पर ये फोर्स यहां पर रियल फोर्स होता है एंड दैट इज एक्ट एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस एग्जांपल में देखिए
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस. ओके, एंड दैट फोर्स हैज डायरेक्शन. ओके, एंड दैट फोर्स हैज डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. यहां पर ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. रेस्टोरेंट. अब थर्ड एग्जांपल देखिए, यहां पर मोशन ऑफ टेप टेप ऑफ मिनट हैंड इन क्लॉक. ठीक है, सपोज यहां पर ओके, तो ये वॉल वॉच है यहां पर, तो ये 12, 3, 6, 9, राइट. तो यहां पर एक मिनट हैंड है, सपोज यहां पर ये मिनट हैंड है, तो इसका जो टिप है मतलब लास्ट पोर्शन पॉइंट. ओके, व्हेन इट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये टिप जो होगा मिनट हैंड का, इट ऑल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? ओके, देखिए ये पूरा एक पार्टिकल होता है, ओके पॉइंटर होता है यहाँ पर, तो इट इज मेड फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, जैसे देखिए यहाँ पर ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड इस तरह से ऐसे रोटेट होगा, तो ये जो टिप होगा दैट टिप परफॉर्म्स विच मोशन? सर्कुलर मोशन, बराबर है. तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर पॉइंटर, मिनट हैंड का पार्ट होगा, मेटल से बना या फिर किसी चीज से अगर बनता है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध कर रखने का जो फोर्स होता है कौन सा फोर्स होता है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे इसमें क्या होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. देखिए नाउ इफ वी कंसिडर अ चॉक पीस, ओके, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर चॉक पीस को हम कट कर देते हैं तो वहां पर दो पीसेस बन जाएंगे, तो जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ओके एक साथ रखने के मतलब टू बाइंड ऑल द मॉलिक्यूल्स टूगेदर इन अ सब्सटेंस, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पर ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट. ठीक है, मिनट हैंड हो या फिर सेकंड हैंड, अवर हैंड, या फिर जो सीलिंग फैन होता है, तो वहां पर भी ब्लेड ऐसे रोटेट होते हैं ना, तो टिप ऑफ ब्लेड ऑफ द फैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यहां पर भी जो ब्लेड होता है एक पूरा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओके, तो टू होल्ड ऑल द मॉलिक्यूल्स टुगेदर वहां पर कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए उन सब में कौन सा फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक्ट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट. देखिए और एक एग्जाम्पल यहां पर, सपोज एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ओके, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हेल्ड इन अवर हैंड एंड अदर एंड जो होगा अगर वो हम स्टोन के साथ या किसी चीज के साथ बांध लेते हैं ओके इस तरह से और छोड़ देते हैं और हॉरिजेंटल मूव करते हैं, तो ये जो स्टोन होगा परफॉर्मिंग हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन. तो इस एग्जाम्पल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? तो ये होगा यहाँ पर देखिए, सपोज ये एंड होगा ओ, ओके, और अदर एंड पर अगर स्टोन को हम टाइट करते हैं एंड इट मूव इन दिस पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पर एक फोर्स होता है दैट इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग. ओके, तो देखिए स्टोन टाइट एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग या फिर रो, ओके, एंड परफॉर्म सर्कुलर मोशन, परफॉर्म सर्कुलर मोशन.
अब ये सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी हो सकता है, वर्टिकल सर्कल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ये यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखिए अगर यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और हमने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिंग ऐसे सस्पेंड होगी, यहाँ पर फिक्स होगी, तो इसके अंदर कुछ भी फोर्स या तनाव या फिर टेंशन नहीं होगा, राइट। अगर इसके फ्री एंड को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं तो इसका जो वेट होगा, यम जी वेट, उसकी डायरेक्शन तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगी ना, ओके। और वेट के कारण क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग वाला पोर्शन है ये ऐसे स्ट्रेट बन जाएगा, राइट। अब इस पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस है ना, इस पोजीशन पर ये बैलेंस है, इसका मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। देखिए इस पोजीशन पर पी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये टेंशन देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट। अगर ये पॉइंट हम वन एंड यहाँ पर होल्ड करते हैं और दूसरा एंड जो स्टोन का, अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो देखिए टेंशन की डायरेक्शन कैसे, फ्रॉम द स्टोन टुवर्ड्स द पोजिशन ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट। तो ये टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एक्ट एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन सच एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, सपोज अ कार टेक्स टर्न एट हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कर रोड, हॉरिजेंटल कर रोड, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ पर एक कर रोड है ऐसा इस तरह से, ठीक है, बाकी ये स्ट्रेट होगा फिर, लेकिन इतना पोर्शन यहाँ पर सर्कुलर है, यहाँ से ये सर्कुलर पोर्शन है, मतलब अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं सर्कल इस तरह से तो सेंटर यहाँ पर होगा। नाउ इफ अ व्हीकल, सपोज यहाँ पर व्हीकल है या फिर कार है, ओके, इट मूव्स अलोंग दिस कर्व पाथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो इस एग्जाम्पल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? तो यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, देखिए मतलब अगर एक व्हीकल है और कर रोड है यहां पर, तो कर रोड मतलब पूरा सर्कुलर पाथ नहीं होगा वहां पर, लेकिन कुछ पार्ट यहां पर ऐसा कर होगा, तो दिस इज द आर्क ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल, तो यहां से यहां तक अगर व्हीकल कर पाथ कंप्लीट करता है तो मतलब सर्कुलर मोशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर सरफेस, उनके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट एक्ट्स एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट।